तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें साइंस की सीखने को मिलेगी कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है और ये ज़ीनॉन टी जो एक्सपेरिमेंट इटली में किया गया ये क्या है। अब ये कंसेप्ट गाइज आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम UPSC MPSC या आप कोई भी अदर नॉलेज रखना चाहते हैं ना तो बहुत काम में आएगा। ये समझने से पहले सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। अब प्यार करते हैं यानी इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। अब अट्रैक्शन तो है पर ये शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी एक के पिताजी बीच में आ गए और इनकी शादी जो है वो होने नहीं दे रहे, इसी वजह से ये दोनों क्या है वो अलग अलग है। तो अट्रैक्शन तो है पर पास क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स है पिता की, हम बोल सकते हैं कि पिता की वजह से, पिता क्या है यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स है जिनकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी समझ में आ गया कंसेप्ट। अब आप मेन कंसेप्ट में जाते हैं। आप दुनिया में इतने बड़े तारे देखते हैं, सूरज है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, हमारी अर्थ है, ये सब एक दूसरे से घूम रहे हैं। ये हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। ऐसे तो कितनी यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सी है, हम जब आकाश में रात को देखते हैं तो कितने सारे स्टार दिखते हैं, पर आपने कभी सोचा है ये इतने बड़े स्टार है कभी ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है? ये कभी सोचा है कि ये टकराते क्यों नहीं है? ये तो इतने बड़े हैं, ये घूम रहे हैं। अगर हम पृथ्वी की माने तो पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा कर रही है, सूरज की तरफ चक्कर लगा रही है। मून को अगर देखें तो मून पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये चक्कर तो लगा रहा है पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि मून ने सोचा कि चलो भाई आज पृथ्वी इसके पास चले जाते हैं और पृथ्वी को धड़क जाते हैं। इनके बीच में देखिए अट्रैक्शन है, ज़रूर अट्रैक्शन है, क्योंकि इसी वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से ही जो पृथ्वी है इसको, जो मून है यानी चंद्रमा है, ये चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। पर फिर ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी पे धड़कता क्यों नहीं, पृथ्वी पे आता क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स है। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो वो सूरज का चक्कर लगा रही है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी चली गई किसी दूसरे ग्रह के पास और उसका चक्कर लगाएगी। अब चंद्रमा को है तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी को छोड़ दिया और मंगल का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, ऐसा ही नहीं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, मून के और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। अगर हम हर एक जो प्लैनेट है इसके बीच में अट्रैक्शन है, पर फिर सोचो कि ये एक दूसरे से धड़कते क्यों नहीं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये भी सोचा कि यार हाँ यार ये इनके बीच में अट्रैक्शन है इसीलिए एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं। हमारा यूनिवर्स है, हमारी गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है, ऐसी तो कितनी यूनिवर्स में गैलेक्सी है, कितने सारे प्लैनेट होंगे, कितने सारे स्टार हैं, ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से धड़कते क्यों नहीं? इसका जो है वो जवाब साइंटिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की और फिर उन्होंने खोज निकाला कि ये जो एक डार्क मैटर नाम की चीज़ है जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? जो दोनों मैंने कहा था कि एक लड़की है और एक लड़का है, इनके दोनों के बीच में प्यार है, तो उसी को कहा गया डार्क मैटर, यानी ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है इसको बोला गया गाइस, इस अट्रैक्शन को डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर सिर्फ इसको नाम दिया गया, ये क्या है कभी किसी ने देखा नहीं। एक्चुअल में प्यार है यार, प्यार कोई देखता थोड़ी है, दिख थोड़ी सकता है कि किसी में प्यार है, वो प्यार तो हमें फील करना पड़ता है। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट ने बोला कि डार्क मैटर यानी क्या होता है कि जो प्लैनेट के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोला डार्क मैटर। अब साइंटिस्ट ने कहा कि फिर अट्रैक्शन है तो यार धड़कते क्यों नहीं? तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट साइंटिस्ट ने लाया कि इनके बीच में रिपल्शन भी है। जैसे मैंने कहा था कि प्यार है पर शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी ना किसी के पिताजी कोई ना कोई बीच में आ गए जो एक रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ना कोई एक रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्शन इनमें है जिनकी वजह से एक दूसरे से टकराते नहीं है, और उसे ही कहा गया डार्क एनर्जी। यानी जो प्लैनेट पे जो कुछ घूम रहा है और पास नहीं आ पा रहा है, तो पास क्यों नहीं आ रहा है? इस डार्क एनर्जी के वजह से, क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव है। ये क्या है, ये जो रिपल्शन है, ये पास नहीं आ रहा है, उसी को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। और कहा गया कि इस डार्क एनर्जी की वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के पास नहीं आते और डार्क मैटर की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन बना रहता है। ये समझ में आ गया? पर अब साइंस है भाई, साइंस को तो अब इसकी खोज अभी तक हुई नहीं, पर इन्होंने इटली में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था
ज़ेनॉन 1T नाम का एक्सपेरिमेंट था, इटली में हुआ। इन्होंने किया 1000 फुट के गहराई के अंदर एक गड्ढा खोदा और उसमें एक लैब बनाई और उसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का परसेंटेज निकाला कि कितना है। तो वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा कि जो डार्क मैटर होता है यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन जो है वो 27% के करीब है और जो डार्क एनर्जी है यानी जो रिपल्सिव फोर्स है वो 68% के करीब है। यानी ज़्यादा क्या है तो रिपल्सिव फोर्स यानी डार्क एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, यानी रिपल्शन जो प्लैनेट के बीच में ज़्यादा है और इसी वजह से ये एक दूसरे की तरफ टकराती नहीं। अगर गाइस मान के चलो कि जो दोनों के बीच में प्यार है और जो रिपल्सिव यानी किसी के पिता की एंट्री हो गई तो इनकी दोनों की शादी होना नामुमकिन है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, जो पिता है उनका फोर्स ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहता यानी डार्क मैटर जो है वो अगर ज़्यादा रहता, उसका परसेंटेज ज़्यादा रहता तो प्लैनेट एक दूसरे से धड़ाम से गिरते, पर यहाँ पे क्या है डार्क एनर्जी 68% है और इसी वजह से ये एक दूसरे पर कभी भी धड़कते नहीं है, एक दूसरे की तरफ जो है वो आते नहीं है। समझ में आ गया? और गाइज मेन बात अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारा यूनिवर्स है ये कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, ये पास नहीं आ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, दूर जा रहा है, हर वक्त थोड़ा 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 दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि जो डार्क एनर्जी है वो 68% है और इसी वजह से ये दूर जाता 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 जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का क्या कंसेप्ट है और ज़ेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। गाइज ये ऐसी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल एक शॉर्ट है, मैं शॉर्ट के छोटे छोटे कंसेप्ट, साइंस के छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे चैनल पे लेके आता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।